बच्चों, पिछले वीडियो में थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड बताए थे और उसमें आपको बताया गया था कि कैसे लिक्विड पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ये सब तो होता नहीं है। ऐसा थोड़े बोलते हैं कि लिक्विड की लेंथ बढ़ गई है, ऐसा नहीं बोला जाता है और ये बात बोलना भी गलत है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि लिक्विड हैव टू थर्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। एक तो बोलते हैं कि वॉल्यूम एक्चुअल में वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ है उसको काउंट करेंगे, तो हम बोलेंगे रियल थर्म रियल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और एक होता है कि मान लो कि आप कंटेनर को हीट करो, क्या करो, वेसल में रखा हुआ है, कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, कंटेनर को हीट कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन तो कंटेनर में भी होगा और उसके साथ साथ उसमें जो लिक्विड रखा हुआ है उसमें भी एक्सपेंशन होगा। तो ऐसे केसेस में जो हमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो यूज करते हैं लिक्विड के लिए उसको बोलते हैं एपरेंट। क्या बोलते हैं? एपरेंट। तो क्या होता है लिक्विड, हम बोल सकते हैं बच्चों लिक्विड है टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन फर्स्ट वन होता है, एक तो रियल कोफिशिएंट ऑफ रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको बच्चों गामा ए से डिनोट करो, आर से रियल। दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको हम गामा ए से डिनोट करते हैं, ए से। ए सीधी सीधी बात है कि इसमें रियल में जो वॉल्यूम केवल और केवल लिक्विड का एक्सपेंशन है डिफाइन करेंगे, इसमें लिक्विड और कंटेनर दोनों को साथ में कंसीडर किया जाएगा। कंटेनर को हीट करो उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, उसके साथ साथ लिक्विड में भी एक्सपेंशन होगा, तो इसको हम गामा ए से और इसको गामा आर से डिफाइन करेंगे। तो बच्चों होता क्या है, ध्यान से देखो, यदि एपरेंट आपको लिखना हो ना गामा ए, तो क्या लिखोगे? एपरेंट एपरेंट क्या इन एपरेंट इन इंक्रीज एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। क्या लिखोगे? चेंज इन टेम्परेचर। रियल वाले में क्या लिखोगे? रियल आर। तो क्या लिखोगे इसमें? रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्या लिखोगे? रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। क्या लिखोगे? चेंज इन टेम्परेचर ना, ये सारी बातें। तो इसको कैसे हम देखना, अभी जो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे सेम फॉर्मूला V फाइनल इक्वल टू क्या आता था? V इनिशियल 1 प्लस अल्फा 1 प्लस गामा गामा डेल्टा टी आया था, अल्फा नहीं गामा आया था। तो सेम बात यहां भी आएगा, रियल के लिए यूज करेंगे तो रियल गामा आर लिख लेंगे। तो देखना क्या लिखते हैं बच्चों, इस बात को आप राइट डाउन करना, उसके बाद देखो क्या होगा। यहां पे देखिए, सपोज ऐसा है गामा आर के लिए हम लिख रहे हैं ना गामा आर, तो क्या लिखोगे बताओ? तो रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम,
हम इनिशियल वॉल्यूम मानते हैं कि इसमें वी आई है, और इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज किए थे तो वी एफ मतलब टी एफ पर इतना है, टी आई पे ये है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है? फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? वी आई इंटू क्या लिखोगे? चेंज इन टेम्परेचर। क्या लिखोगे? चेंज इन टेम्परेचर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू वी आई गामा, क्या लिखोगे? गामा आर का है रियल कोफिशियंट ऑफ रियल थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशियंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इन लिक्विड के केस की बात कर रहे हैं ना, तो क्या लिखोगे? डेल्टा टी। बच्चों इसको यदि सजाओगे तो क्या आएगा? वी इनिशियल प्लस वी इनिशियल गामा आर डेल्टा टी, गामा आर डेल्टा टी, ये सारी बात आएगी। उसके बाद यदि ऐसा हुआ तो देखो, यही तो हमें फॉर्मूला थोड़ा देर पढ़े पढ़े थे कि लिक्विड वाले थर्मल एक्सपेंशन में होता कैसे है, तो पिछले वीडियो में ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों यहाँ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन देखना कैसे बनाया जाएगा। देखो मान लो कि ऐसा है कि एक कंटेनर लिए है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है जो फ्लोट कर रहा है लिक्विड के अंदर, क्या है? नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। मान लो कि यह हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर में क्या है? नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, कोई दिक्कत क्या? इस बॉडी का 1/3 पार्ट्स जो है इमर्ज्ड है, मतलब लिक्विड के अंदर है। कितना है? 1/3 पार्ट्स, और टी आई जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो जो लिक्विड में के अंदर जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट था वो अब मात्र इसका कितना पार्ट मतलब डिप्ट है? 1/2 पोर्शन, 1/2 पार्ट क्या है बॉडी का इमर्ज्ड है, और टेम्परेचर जो हो गया है 105 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। कितना हो गया है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड करो गामा आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, सोचो तो थोड़ा सोचो। यदि हमारा टेम्परेचर जब क्या था कि 25 डिग्री पे था, तो नॉन कंडक्टिंग बॉडी वह 1/3 पार्ट्स इमर्ज था, और जब टेम्परेचर इंक्रीज किए हैं तो 1/2 पार्ट से इमर्ज है, तो उस केसेस के लिए हमें गामा आर पूछा है। तो गामा आर क्या हम पढ़े हैं बता दो, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन क्या है? इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अब देखो कि यह 1/3 पार्ट्स क्या था? 1/2 मतलब टोटल जो यह बॉडी का जो क्या वॉल्यूम इमर्ज्ड करने का क्या मतलब है, उतना उस बॉडी का वॉल्यूम हमें वाटर के या लिक्विड के अंदर डिप्ड है। तो क्या लिखिएगा? गामा आर इक्वल टू क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम कितना? 1/2 डिप्ड है, इमर्ज्ड है, और इसमें इनिशियल में कितना था? 1/3, जाने दें। इनिशियल वॉल्यूम कितना? 1/3। चेंज इन टेम्परेचर कितना? चेंज इन टेम्परेचर 105 माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यही तो होने वाला है। तो गामा आर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना? एलसीएम लो और इसको सॉल्व करो तो 3 और 2 का एलसीएम कितना? 6, 6, और क्या 3 माइनस कितना? 2 अपॉन 1/3, और माइनस करोगे इसको तो कितना होगा? 80, इतना ही तो आएगा। रिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? 1/6 अपॉन 18 अपॉन 80 अपॉन 3 मतलब 1/6 इनटू 3/80, जिससे या दिस गायब मतलब कितना? 1/160। तो गामा जो होगी बच्चों, गामा वो कितना आएगा? जब 1/160 को डिवाइड करोगे तो आता है 62, क्या आएगा? 62.5, 62.5 इनटू
टेन टू द पावर माइनस फोर डिग्री सेंटीग्रेड का पावर माइनस वन, यही हमारा कॉन्सेप्ट है और इस तरह से यही हमारा आंसर है। और इस तरह से आप देखिएगा और ये बनता है। दैट्स इट।